राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खींचतान के बारे में सभी जानते हैं। इनकी आपसी कलह कई बार सामने आ चुकी है। इसी को लेकर सबके मन में सवाल है कि कांग्रेस से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री पद के लिए कौन उम्मीदवार बनेगा। इसे लेकर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा है कि या तो हाईकमान ही डिसाइड करेगा। आपको बता दें कि उन्होंने इशारों में बताया कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए किसके समर्थन में है। अशोक गहलोत जिस सीट पर हैं, जिसकी सेटिंग उसी की फिटिंग होती है, जानकर इसका अर्थ यही निकाल रहे हैं कि अगली बार भी कांग्रेस की तरफ से राजस्थान मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार अशोक गहलोत को ही देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया ये बयान, लगातार पार्टी छोड़ रहे और नाराज नेता के सवालों पर मंत्री बी डी कल्ला ने कहा है कि खेल मंत्री अशोक चांदना की कोई नाराजगी नहीं है। जहां तक कपिल सिब्बल की बात है तो वो कोई व्यक्तिगत कारणों से पार्टी छोड़ देता है। पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री की हैसियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि वे केवल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पार्टी छोड़ते हैं, तो जनता इन सारी चीज़ों को जानती है। दूसरी तरफ मंत्री कल्ला ने यह भी कहा है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल है तो हमारी कोशिश है कि उन्हें प्राथमिकता से अंग्रेजी मीडियम में चलाएंगे, जहां विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर हिंदी अंग्रेजी के संचालन पर विचार चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी कैटेगरी के अध्यापकों के लिए ट्रांसफर नीति बनाकर चीफ सेक्रेटरी भी भेजी है, वो अप्रूव्ड होगी और ट्रांसफर के बैन खुलेंगे, नए सेशन से पहले ट्रांसफर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।